करनाल पुलिस की CIA 1 को लूट व डकैती इत्यादि में संलिप्त गैंग के कई सदस्यों को काबू करने में कामयाबी मिली है। ये आरोपी बहुत ही शातिर आरोपी हैं। इन पर कई आपराधिक केस भी दर्ज हैं। आपको बता दें कि पुलिस तफ्तीश में खुलासा हुआ है कि आरोपियों को किसी मुखबिर द्वारा महत्वपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई जाती थी, जिसके बाद इनके द्वारा उस स्थान की रैकी करके हथियारों के बल पर वारदात को अंजाम दिया जाता था। पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों पर कई आपराधिक केस पहले भी दर्ज हैं, पहले भी वे अपराध में संलिप्त हैं। टीम ने सबसे पहले आरोपी संदीप उर्फ सोनू निवासी सुंदरनगर चौसाना को काबू करने में कामयाबी हासिल की, जिससे पूछताछ व संबंधित मुकदमों में उपलब्ध महत्वपूर्ण साक्ष्यों के आधार पर राहुल सुमित व मोहित निवासी गांव गढ़ी झंझारा को काबू किया गया है। आरोपियों पर लूट मारपीट डकैती जैसे केस दर्ज हैं। आरोपियों द्वारा करनाल के विभिन्न क्षेत्रों में वारदात को अंजाम दिया गया है, ये भी पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। क्या कुछ कहेंगे उन सभी बड़ी वारदातों को करनाल से जो SP हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आपको यकीन है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। चार आरोपी हथियारों सहित जो है गिरफ्तार हुए हैं। देखिए पिछले कुछ समय में कुछ डकैती की वारदातें हुई थी। इस संबंध में हमारी CIA की टीम ने महत्वपूर्ण सुराग जुटाते हुए अथक परिश्रम करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी जो संदीप उर्फ सोनू वासी चौसाना जिला शामली का रहने वाला है, उसको कल 22 दिसंबर को गिरफ्तार किया था। उससे हुई पूछताछ एवं हमारे जो संबंधित फाइलें हैं उस पर जो उपलब्ध साक्ष्य थे उसके आधार पर तीन और आरोपी जो गढ़ी झंझारा जिला सोनीपत के रहने वाले हैं और जिनके नाम राहुल सुमित उर्फ काला व मोहित उर्फ काली है, उनको आज गिरफ्तार किया है। चारों आरोपियों को आज हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और जितने भी वारदातें जो उन्होंने कबूल की है और जिस अभियोग में हमने उनको अरेस्ट किया है उसमें जो भी रिकवरीज बनती है वो रिकवरी करने के लिए हम आज पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं। अब तक हुई आरोपियों से पूछताछ के आधार पर वे हमारे पास में जितने भी एविडेंसेज अवेलेबल थे उसके आधार पर 6 वारदातों में उनकी भूमिका अभी तक सामने आई है। जो पहली वारदात थी वो 17 अगस्त 2019 को हुई थी, जिसमें अनाज मंडी करनाल में हथियार के बल पर 4,10,000 रुपये छीने गए थे। उसके बाद में 7 सितंबर 2019 को रणदीप सिंह मान की शिकायत पर एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा हथियार के बल पर लूट की गई थी। तत्पश्चात 25 जनवरी 2020 को मनदीप कौर की शिकायत पे एक और अभियोग अंकित किया गया था, जिसमें उनके द्वारा ये सूचना दी गई थी कि 25 जनवरी 2020 को सुबह 3 व्यक्ति आए और उन्होंने हथियार के बल पे घर में लूटपाट की थी। उसके बाद में ये सामने आया है कि 6 अक्टूबर 2020 को एक व्यक्ति के द्वारा अपना हथियार छोड़कर के भाग गया था और कुछ व्यक्तियों को धमकी देके गया था। उस संबंध में भी मधुबन थाने में अभियोग अंकित था, जिसमें अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग अंकित किया गया था। तत्पश्चात 24 नवंबर को प्रमोद कुमार आर्य हैं, जो गोंडा के रहने वाले हैं और ज्वेलर्स का काम करते हैं, उनकी दुकान पे 2 व्यक्ति आए थे और उन्होंने लूटपाट करने की कोशिश की थी, उसमें वो असफल रहे। उसके बाद में फायर करके वहां से भाग गए थे। उसमें भी अननोन व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अभी लेटेस्ट 5 प्रिवेंटिव स्टेप्स जो लिए जाने चाहिए थे इस प्रकार की वारदातों को रोकने के लिए वो लिए जाते रहे हैं। पुलिस के द्वारा चाहे प्रभावी गश्त करना हो, चाहे CCTV कैमरा की मदद से निगरानी रखना हो, इत्यादि कार्रवाई हम करते रहते हैं। फिर भी कोई यदि वारदात होती है तो इस संबंध में हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं कि ऐसी वारदात जल्दी से जल्दी ट्रेस हो और आरोपी को पकड़ा जाए। कैमरे लगने के पश्चात भी अगस्त की जो डकैतियां हैं वो अब तक सॉल्व नहीं कर पाई पुलिस, और CCTV कैमरे काम नहीं कर रहे हैं या उसमें कोई और प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है? देखिए CCTV कैमरे काम कर रहे हैं और CCTV कैमरों की मदद से हमें महत्वपूर्ण सुराग भी मिलते हैं, जिससे हम आरोपियों तक पहुंच पाते हैं, तो इसलिए हमारे लिए वारदातों को ट्रेस करने में भी महत्वपूर्ण साबित हो रहे हैं। वारदातें बढ़ती जा रही है, रात भी एक लूट हुई है। हाँ देखिए ये वारदात हमारे सामने भी आई है, हम ये इंश्योर करेंगे कि इस टाइम जब शाम के टाइम है और खासकर धुंध का जो समय होता है उसमें हाईवे पे पेट्रोलिंग और गहनता से की जाए ताकि वारदातों को भी रोकने में कामयाबी हासिल हो और सड़क दुर्घटनाओं को भी तुरंत अटेंड किया जा सके। सर दक्षिण वाले तीर कांड में चारों आरोपियों को दोबारा कोर्ट में पेश किया गया है? उन आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया है। आज हमने 2 आरोपी उसमें और गिरफ्तार किए हैं, राममेर और जसवीर नाम के। अब तक 6 आरोपी उसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। सर आपराधिक मामले ज्यादा बढ़ रहे थे तभी आपने 20 कर्मचारी तबादले किए हैं? देखिए तबादले होना एक रूटीन की प्रशासनिक प्रक्रिया है, जो समय समय पर तबादले होते रहते हैं। सर कोई ठोस कदम उठा सकती है पुलिस की रोकथाम हो सके? हर बार मेरा यही सवाल होता है कि हम हमारे तरफ से जो कदम उठाए जाने चाहिए थे उठाए जाते रहे, लेकिन जैसा कि मैंने बताया सुधार की हमेशा गुंजाइश रहती है और हम उसी दिशा में आगे बढ़ते रहते हैं।
ऑपरेशन के दौरान फर्जी आयकर अधिकारी बनकर के लूटपाट करने की कोशिश की गई थी, जिसमें दो व्यक्ति पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे, उसमें भी इन आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है। अब तक हमारे द्वारा इस गैंग के 4 व्यक्ति काबू किए जा चुके हैं, बाकी अन्य जितने भी गैंग मेंबर्स जो इन मामलों में इन्वॉल्व रहे हैं उसके बारे में भी हमारे पास में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध हो चुकी है और हमें उम्मीद है कि अन्य आरोपियों को भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। रिकवरी में सर क्या कुछ है? देखिए, अभी एक आरोपी कल गिरफ्तार किया गया था, 3 आरोपी आज गिरफ्तार किए गए हैं, हम पुलिस रिमांड हासिल कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जितनी भी जो रिकवर्ड जो स्टोलन आइटम्स है वो हम रिकवर कर पाएंगे। किन धाराओं में मामला दर्ज है सर? देखिए, लूटपाट डकैती इत्यादि की धाराओं में मुकदमा अंकित किए गए हैं। एक बात ये भी सामने आई है कि जहाँ पर भी ये लूटपाट करते थे, इस संबंध में जो भी गांव के आसपास है कोई व्यक्ति इनको महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराता था, जिसके बाद में ये उस घर की रेकी करते थे और रेकी के पश्चात वारदात को अंजाम देते। बूढ़ागढ़ा गांव में जो रेकी की गई थी उसमें भी एक शख्स को गिरफ्तार किया, गांव का मौजूद आदमी है वो भी। देखिए, अभी गिरफ्तार उसमें नहीं हुआ है, लेकिन ये जरूर सामने आया है कि बूढ़ाखेड़ा वाली वारदात में और जो मान साहब की जो कोठी पे वो जो वारदात हुई है उसमें एक तेजेंद्र पाल सिंह का नाम व्यक्ति जो कि बूढ़ाखेड़ा का ही रहने वाला है उसके द्वारा सूचना उपलब्ध कराई गई थी, उसकी हम तस्दीक करवा रहे हैं और उसके आधार पर आगामी कार्रवाई करेंगे। सर, ये एक ही गैंग है या अलग अलग गैंग है? देखिए, सभी जितने भी है किसी वारदात में 3 व्यक्ति इन्वॉल्व रहे हैं, किसी में 5 इन्वॉल्व रहे हैं, लेकिन ये सभी आपस में एक दूसरे को जानते हैं और उनके साथ ही मिलकर के वारदातों को अंजाम देते हैं। बैकग्राउंड क्या है सर इनके? देखिए, इनमें जो अभी तक पकड़े गए हैं उनसे हमने पूछताछ करी है, उनके संबंधित जो थाना है उनसे हम अभी उनका रिकॉर्ड हासिल कर रहे हैं। ये सामने आया कि 3 व्यक्तियों का आपराधिक इतिहास रहा है, एक का अभी तक आपराधिक इतिहास सामने नहीं आया है। शहर में बड़ी संख्या में कैमरे लगाने के पश्चात भी ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.